हेलो माय डियर व्यूअर्स, क्या हाल हैं, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं सब ठीक ठाक होंगे और वेलकम करते हैं आपको हमारे चैनल दीपाल टिप्स में। व्यूअर्स, आज की हमारी इन्फॉर्मेशन नरवासेक 10 मिलीग्राम टैबलेट के बारे में होगी। आज हम आपको बताएंगे इस टैबलेट के फ़ायदे, साइड इफ़ेक्ट, यूजेज और कॉन्ट्राइंडिकेशन के बारे में। व्यूअर्स, सबसे पहले हम आपको इसकी कंपोजिशन के बारे में बताएंगे। कंपोजिशन इसके हैं एमलोडिफाइन पेसिलेट हैं और इस टैबलेट का जनरल काम हाइपरटेंशन को कंट्रोल करना है, यानी हाई ब्लड प्रेशर को कम करके लेवल में रखता है। व्यूअर्स, ये टैबलेट खसूसी तौर पर हाई ब्लड प्रेशर के लिए ही इस्तेमाल की जाती है। और व्यूअर्स, ये टैबलेट 2.5 मिलीग्राम, 5 मिलीग्राम और 10 मिलीग्राम में होती है और ये टैबलेट कैल्शियम चैनल ब्लॉकर ग्रुप से ताल्लुक़ रखती है। व्यूअर्स, डिटेल में जाने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर लें और साथ में बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि मेडिसिन से रिलेटिव हर आने वाली न्यू इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। व्यूअर्स, अब मज़ीद जानते हैं इस टैबलेट के फ़ायदे। ये टैबलेट हाई ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए इस्तेमाल होती है, यानी जो हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ होते हैं उनके लिए बेहतरीन और मुफीद टैबलेट है। इस टैबलेट के इस्तेमाल से हाई ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा। व्यूअर्स, इंसान के नॉर्मल ब्लड प्रेशर का रेंज 120/80 होता है। अगर इससे ब्लड प्रेशर रेंज बढ़ जाए तो फिर ये टैबलेट इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर इस रेंज से ब्लड प्रेशर कम हो तो फिर ये टैबलेट इस्तेमाल ना करें। और इसके अलावा व्यूअर्स, कोरोनरी आर्टरी डिसाइसिस, व्यूअर्स ये एक बीमारी होती है। इस बीमारी में ये होता है कि छाती में दर्द होता है और साथ ही बाजू, कंधों और गर्दन में भी दर्द महसूस होता है। तो व्यूअर्स, अगर किसी को ये बीमारी लग जाए तो उसके लिए भी इस टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर व्यूअर्स और मेडिसिन के साथ ब्लड प्रेशर कम नहीं होता तो ये टैबलेट इसके साथ खा सकते हैं। यानी व्यूअर्स, बाज़ ऐसी मेडिसिन होती है जो ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करने के लिए इस्तेमाल होती है और उस मेडिसिन से ब्लड प्रेशर नॉर्मल नहीं होता है, उस मेडिसिन के कंपोजिशन में इस टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। और व्यूअर्स, ये टैबलेट कैसे काम करती है। जब हम ये मेडिसिन लेते हैं तो कैल्शियम आयन की मूवमेंट को रोकता है और हमारे जिस्म में कार्डियक मसल्स में मौजूदा कैल्शियम जो हमारे दिल को कनेक्ट करता है और ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है, ये टैबलेट उस कैल्शियम की मूवमेंट को रोकता है जिससे खून की रूहानी मुतासर नहीं होती और ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता है। तो व्यूअर्स, ये थे इस टैबलेट के फ़ायदे और आप जानते हैं साइड इफ़ेक्ट के, इस टैबलेट को इस्तेमाल करने से क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। सर का चकराना और सर में दर्द हो सकता है, दिल की धड़कन का तेज़ होना हो सकता है, मतली और उल्टी हो सकती है, दस्त का लगना हो सकता है, पाँव में सूजन और इसके अलावा ब्लड प्रेशर का कम होना भी हो सकता है। तो व्यूअर्स, ये थे इस टैबलेट के साइड इफ़ेक्ट और अब जानते हैं कि कैसे इस टैबलेट को इस्तेमाल करना है। एक टैबलेट सुबह नाश्ते के बाद इस्तेमाल करें। व्यूअर्स, ये टैबलेट खाली पेट भी ले जा सकती है। व्यूअर्स, ये टैबलेट 2.5 मिलीग्राम, 5 मिलीग्राम और 10 मिलीग्राम में दस्तयाब है, लेकिन जितना मकदार डॉक्टर तजवीज़ करे उतने ही इस्तेमाल करें। व्यूअर्स, ये थे इस टैबलेट के इस्तेमाल और इसी के साथ हमारी इन्फॉर्मेशन का एंड होता है। व्यूअर्स, अगर हमारी इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को प्रेस करना ना भूलें।